हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ रिक्शे पे बैठकर। तो आज क्या है ना कि बुआ जी की आज कन्या है तो वहाँ पर जाना है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ भैया के घर, तो वहाँ से निकलूँगी मैं उनके साथ। वो लोग भी जा रहे हैं, तो यहाँ से मैंने पहले एक रिक्शा किया और फिर आगे जो है ना ये रिक्शा जो है आगे तक नहीं जाता भैया के घर तक, तो फिर मैंने दूसरा रिक्शा किया। तो अभी मैं दूसरे रिक्शे में जा रही हूँ, मतलब डायरेक्ट वहाँ तक कुछ नहीं जाता है, मतलब दो करके जाना पड़ता है। और यहाँ पर क्या हुआ कि रिक्शे वाले ने ना काफ़ी दूर उतार दिया था मुझे भैया के घर से, तो वहाँ से मैं पैदल जा रही हूँ। और गर्मी इतनी लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है और साथ में मेरी चप्पल भी टूट गई। तो बस चप्पल वगैरह चेंज करके भैया के यहाँ से हम निकल लिए थे। भैया भाभी तैयार बैठे थे और बाबूजी भी आ गए थे, तो बाबूजी को लेकर अभी हम जा रहे हैं सब साथ में। अरे यहाँ पर ना मुझे हंसी इसलिए आई है कि ना बाबूजी से ना हम लोग बहुत डरते हैं, साथ बैठना तो दूर सामने भी नहीं आते थे बाबूजी के। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, और जब से मैं वीडियो बनाने लगी तो मतलब थोड़ा मैं बोलने भी लगी हूँ, नहीं तो मैं पहले इतना बोलती भी नहीं थी, ना मुझे बोलना आता था इतना ज़्यादा। तो बाबूजी भी देख रहे हैं मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उनको भी अच्छा लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो बाबूजी सबको नमस्ते बोल रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे आ गए हैं, बाबूजी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग जितने भी आ रहे हैं सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अभी ना सभी लोग नहीं आए हैं, धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं। जो ब्लू सूट में बैठी हुई है ना, ये बुआ जी की बेटी है और उनकी ना एक ही बेटी है ये, और बुआ जी के तीन बेटे हैं। ये गोल्डी की बड़ी लड़की है, ये है गोल्डी की, ये हमारे लिए जो अच्छा ये छोटे ये किन की है, छोटे वाले तीन है नहीं, अच्छा दोनों, अच्छा वीडियो में ले लेते हैं। बड़ी है, ये बड़ी है, अच्छा बैठ जा बेटा, उनका नाम क्या है? बहुत अच्छा लगा भाई, क्या बच्चे हैं भाई, इंटेलिजेंट है सब, सही सब दादा दादी पापा मम्मी के सच में। बड़ी बुआ की बहू छोटी वाली, खुश रहो खुश रहो। ये भाभी है ना, दांत लेने आ रहे क्यों? और मोटे हो गए? नहीं कमजोर, पहले से स्मार्ट हो गए। देख लो जरा आप, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो और कुछ करना ही नहीं, सिर्फ बच्चों को पढ़ा लो, बहुत बढ़िया बच्चे निकल रहे हैं, बाकी और कुछ करना है बस बस। अगर मैंने उस पे क्या है ना, शादी भी अगर टाइम हो, ऐसा टाइम हो तो सब परिवार के सदस्य एक साथ मिलते हैं, तो अपने सुख दुख शेयर करते हैं, अपना हाल चाल बताते हैं, पूछते हैं। तो वही सब कर रहे हैं यहाँ पर, सब परिवार के सदस्य एक साथ मिले हैं।
तो बस मैं घर आ गई थी तो आशू ने चाय बना रखी थी और सोनी जी पी रहे हैं यहाँ पर चाय और उसने मुझे भी लाकर दे दी थी। खा लो।